मम्मी को हमारा बिगाई थी बड़ा खुश हो रही है। कोड़ो का मतलब दुकान आज खोल दी नहीं है तुम। खाना भी स्टार्ट कर दे। हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को हैप्पी होलिका दहन, और हम लोग अगजा भी बोलते हैं इसको यहाँ। नेहा और क्यारा अभी ऊपर वीडियो शूट कर रहे हैं अपना, जो इंस्टाग्राम आईडी पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इंस्टाग्राम आईडी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, प्लीज वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं और हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और चलिए अभी दिखाते हैं क्यारा और नेहा का जो ऊपर शूटिंग चल रहा है वहाँ का पूरा व्यू। देखिए क्यारा होली खेली है, कितना सारा होली, अपना नया कपड़ा को देखिए, रंग को। क्या कर रही हो क्यारा, क्या होली खेली है? अरे हमको मत लगाना। देखो कितना बदमाशी कर, अब इसको रंग, अब मजा चल रहा है, कितना गंदा कर दी है पूरा घर को। बाल में चला गया और गाल में भी चला गया। मम्मी को हमारा बिगाई थी, बड़ा खुश हो रही है, होली खेल रही। अरे डरा, धमकी दे रही है। नहीं अभी नहीं, रुको। अरे बाप रे, देखिए हमको पूरा एकदम मेरा पिचकारी लाने गई है वहाँ। देखिए कितना बदमाशी, पिचकारी लाने चली गई, होली का पूरा एंजॉयमेंट ले रही है क्या रहा तुम। अरे बाप रे, नहीं इधर आके। अरे बाप रे, पूरा गीला मत कर देना इसमें, नहीं तुम देखो इससे चलवे नहीं करता है। शूटिंग तो हो गया, आप देखिए मेहनत, क्यारा का रंग छुड़ा रही है जितना भी रंग। दिखाओ तो क्यारा, फेस साफ हुआ क्यारा का? दिखाओ ना इधर, तो जल्दी जल्दी करो, ज्यादा पानी मत घीटो। हो गया, होली चढ़ा है दोनों को होली, ऊपर हमको भी रंग डाला। और अपना कह रही थी क्या कि हम रंग छुएंगे ही नहीं, छुएंगे, इतना रंग खेली है, बाप रे बाप। हे गाइस, एक्चुअली है कि हम लोग यहाँ मतलब होली में, मतलब इसको बोला जाता है सिर्फ खान पीन का, क्या बोलता है, खान पीन का पर्व, मतलब इस यही एक ऐसा पर्व है जिसमें पूजा कम और पेट पूजा ज्यादा होता है ना नेहा। तो अभी हम लोग बना रहे हैं, नेहा मतलब बना रही है क्या क्या स्पेशल डिलीशियस फूड, जो कि यही आज का हम लोग का रात का खाना रहेगा, यही खाएंगे। उसके लिए आपको अभी दिखाते हैं नेहा क्या क्या पूरा तैयारी की है। हे गाइस, तो ये देखिए ये क्या क्या है, नेहा से जानते हैं क्या है नेहा, ये क्या है पहले ये बताओ। ये है आलू जो कि हम भूज के फ्राई करके रखे हुए। और ये, और ये है प्याज और चना का कचरी बनाने के लिए। और ये क्या है? और ये है बंधा का। और ये क्या है? इसका सब कभी कचरी बनता है, ये बैगन, ये सब प्याज का। और ये उसका बैटर है जो कि, और इसमें बनने वाला है ब्रेड का भी। तो ये है ब्रेड, पहला चीज तो हम लोग बनाने वाले हैं ब्रेड पकोड़ा, जो जिसके लिए दिखा चुके हैं ब्रेड, और ये बेसन का बैटर तैयार है। अब इसको छानेंगे और टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है ना। हाँ, बहुत टेस्टी भी लगता है, अभी बहुत दिन से हम लोग कुछ खाए भी नहीं है, तो चलते हैं तेल मसाला वाला खाने के लिए। तेल मसाला, मसाला क्या है इसमें, सिर्फ तेल? तेल है ना। हाँ तो क्या हो गया, खाता ही है लोग। ये हम ब्रेड भर दिए हैं, हम इसको साट देंगे। हाँ। और हम इसको काट देंगे, हम काट दें। हाँ, ही ट्राई करते हैं, हम ही बेसन में, इसमें वो डाली जो मैंने। हाँ, आपका तो मन चटपट करते रहता है करने के लिए ही सब। हमेशा। हाँ, करता तो है, तो तुम ही करो आज। तुम ही बोली छटपट करते रहता है, तो ठीक है, आपने छटपट नहीं करेगा, तुम ही करो, आप ही करिए। हो सकता है हमसे थोड़ा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये ब्रेड वाला हम कभी बनाते नहीं है, बहुत मतलब रेयर बनाते हैं। साल भर पहले बनाया हमने ब्रेड वाला ना, साल भर पहले नहीं, 2 साल पहले बना था घर में। ब्रेड वाला पकौड़ा तो बहुत साल पहले बाद बना रहे। तो कैसे,
ऐसे एक बार ऐसे डालना है, उसके बाद ऐसे डालना है। चलिए चलिए हो गया। अरे हम खुद ट्राई कर रहे हैं। बस 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 बापरे कितना बुलबुला फूटा है इसमें। बुलबुला तो फूटेगा ही ना, बताइए। उलटना होगा ना। क्या फुला है वो देख, तो तेल कम करना होगा, लेकिन इसका बेसन देखो कितना मस्त हुआ है। हे गाइस, तो यहाँ पे ये तो बन चुका है चार पीस और ये बन रहा है दो पीस। और हाँ, और अभी हमको इतना सारा भी बनाना है, बचा हुआ है। और टेस्टी तो लग रहा है दिखने में ना। आपको कैसा लग रहा है? पूरा अच्छा से फूला। बेसन, बेसन अच्छा से फूल गया, मेहनत की है ना आप। तुम सब कुछ डाले हम, लेकिन धूप में रख दिए थे आप, तो फूल गया और क्या। ब्रेड तो हो गया था, अब बन रहा क्या है, ये बैगन कद्दू और आलू का चिप्स टाइप का। कहाँ है मेरा, टेस्ट करते हैं थोड़ा। तुम टेस्ट तो कर रही, वाह कैसा बना है? मेरा है। हम ही पीछे हो गए। वाह 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 वाह, कैसा बना है? बहुत टेस्टी है। मैं देखो पापा। सॉफ्ट भी है ना पूरा, देखिए दिमाग लगाया तो हुआ ना। मेरा तो कोई मेहनत ही नहीं है। तुम्हारा तो है ही, मतलब एक बार तुम्हारा तारीफ तो हम डेली करते हैं। अच्छा बना, अच्छा बनाइए। Hey guys, ये फोर्थ चीज अब हम लोग का बन रहा है, ये है चना का, चना और प्याज इसमें मिक्स है, हरा चना जो कि हमारे यहाँ बहुत सारा होता है, तो वही हरा चना मार्केट में मिलता है, उसी का अब कचरी बन रहा है। पहले तो चार चीज पांच चीज का बना चुकी थी, आलू बैगन कद्दू ब्रेड और प्याज का, और अब चना का बन रहा है। उसके बाद लास्ट और फाइनल सिर्फ प्याज वाला कचरी ना बनेगा, और फिर खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तुम खा रही है? आ करो, तब से खा ही रही है। इसको भी बहुत मजा आता है तेल मसाला खाने में। चटोरी बनी है, चटोरी। और ये फाइनल बन रहा है प्याज का, नहीं बंदा गोभी। ओह, ये बंदा गोभी का है। वाह वाह वाह, तो कोई और मजा आएगा खाने में। हाँ क्या रहा, क्या बोल रही हो? गोदी लो। गोदी ले, इतनी बड़ी हो गई और गोदी ले। देखिए ये बन के तैयार है पूरा फुल्ली ब्रेड पकोड़ा, पकोड़ों का मतलब दुकान आज खोल दी। नहीं तुम खाना भी स्टार्ट कर दी, तुम भी खाओ। क्या रहा सी मम्मा, क्यों खाएगी? कौन वाला लोगी? ब्रेड वाला खाओ। तो खाते हैं और उसके बाद ब्लॉग में बने हुए रहेगा, अभी बहुत सारा चीज दिखाने वाले इस ब्लॉग में हम लोग। कल का तैयारी अभी करके रख देते कल, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ होता है तो हमेशा लेट होता है हम लोग को, कोई भी चीज़ में, सब चीज़ में लेट होता है। तो सोचे कि आज ही बहुत सारा काम करके, जैसे कि ये दाल पीस के रख दिए हैं, पीस लिए हैं अभी, तुरंत पीसे हैं। एक क्या चीज़, वो दही बड़ा बनाने के लिए, तो ये दाल पीस लिए हैं, उड़द का फुला दिए थे दिन में ही, और ये पीस लिए हैं। और अभी दिखाते हैं आपको एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़। इंटरेस्टिंग क्या आए हैं, क्या चीज के लिए? भाभी भाभी का दूध गिर गया, वो दूध गिर गया उधर कप में निकालने में इसमें। और ये कस्टर्ड बना रहे हैं हम लोग, मतलब कस्टर्ड के लिए अभी मतलब सब कुछ करके रख देंगे, और सुबह इसमें फल फ्रूट्स जो भी है इसमें डालेंगे। तो ये कस्टर्ड का तैयारी कर रहे हैं ये महाराज। बहुत ज्यादा मतलब दूध उध गिर गया मेरा, क्योंकि फूल आँच में हम चढ़ा के, और ये हमको बुला लिए थे उधर, तो गिर गया है। वैसे भी सुबह साफ होगा ये सारा। हाँ, तो इसमें चीनी हम डाल दिए थे, तो ये कस्टर्ड बना रहे हैं, ऐसे बनता है। और इसमें क्या डालें, तो मोटा मोटा जा रहा है इसलिए, वही है सिर्फ बस। चीनी तो डाल ही दिए थे,
चीनी तो डल गया। बस इसको खोलेगा ना, कितना देर खोलेगा? ज्यादा नहीं, दो चार मिनट। दो चार मिनट खोलेगा और कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। और इसमें फिर इसका प्रोसेस अब सुबह में दिखाएंगे, क्योंकि सुबह में इसमें सब कुछ डालेंगे, फल फ्रूट खाते समय ऊपर से डाला जाता है। हाँ, खाते समय डाला जाता है, नहीं इसमें डाल के रखते हैं। कल डालेंगे और उसके बाद इसको अभी ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में ही डाल देंगे। हे गाइस, तो ये होली के एक रात पहले का लास्ट काम नेहा कर रही है। और इस ब्लॉग में तो आप लोग देख ही रहे हो, हम लोग बस काम ही कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसा कि हम पहले बताएं ये पर भी खाने पीने वाला, तो ये फिर से खाने पीने का तैयारी कल का जो की है, ये है मालपुआ, पुआ का बैटर बना रही हो ना। तो इसमें दिए हैं मैदा 2 कप और 1 कप सूजी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 3 बनाना, 3 बनाना और 2 कप चीनी। हाँ चीनी 2 कप। मतलब अगर 1 कप मैदा डाल रहे हैं, 1/2 कप सूजी डाल रहे हैं, तो फिर 1 कप चीनी। ज्यादा ना हो जाए? नहीं होगा ज्यादा, मीठा ही रहता है मालपुआ। मीठा रहता है फिर भी। फिर भी क्या? तो पहले इसके लिए लेना था मैदा, सूजी, केला, चीनी, दूध और आपका ड्राई फ्रूट्स, जो भी ले सकते हैं आप अपने मन से। इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं ना। काजू और पिस्ता हम लिए, काजू और पिस्ता हम अपने लिए पहले ही निकाल देंगे और भगवान जी के लिए पहले चढ़ाएंगे कल, यही सुबह लगाना है। ये है काजू और पिस्ता। तो ये तो अभी थोड़ी मिलाओगी? हाँ? ये तो अभी नहीं मिलाओगे ना। काजू पिस्ता आधा निकाल लेंगे हम इसमें अभी। हाँ। और ये काजू पिस्ता नहीं खाती है इसलिए। हाँ। ठीक है, इसको पहले अच्छा से मतलब वो नहीं रहना चाहिए, केला का लंप्स, लंप्स जिसको बोलते हैं, केला का भी लंप्स, गिट्ठा महीन से चोड़ लेना। और इसमें अब थोड़ा थोड़ा दूध दे के पहले मिलाएंगे, इसमें भी लंप्स नहीं रहना चाहिए क्या ना? नहीं बनेगा लंप्स तो वैसे। मम्मा क्या बना दी? इसमें मत बोलो बेटा, मत बोलो बेटा, उसमें थूक चला जाएगा तुम्हारा। ये सब मम्मी से ही सीखा करना, मतलब हम देखते थे, मम्मी करवाती थी कि ऐसे करो वैसे करो। क्यारा भी देख देख के सीखेगी। हाँ। क्या बना रही है मम्मी? लड्डूडी। लड्डूडी ने मालपुआ क्या? मालपुआ। क्या बना रही है? मालपुआ। मालपुआ हो गया, हो गया। इसको बहुत मिलाता है वैसे अंदर। तेरा माथा हटा। चीनी गाइस ये तैयार हो गया है, इसको अच्छे से मिला ली है। और अब इसमें काजू पिस्ता और बादाम भी डालना था ना। बादाम नहीं छोड़ा। आलमंड? हाँ है, लेकिन अब सुबह काट लिए। ठीक है, इसमें मिला लेना है। और ये आपका अब हो गया, आप अभी भी बना सकते हैं, हम लोग तो कल इसको बनाएंगे। अभी क्यों बनाएंगे? नहीं मतलब जिसको बनाना है तो तुरंत बना सकता है, हम लोग इसको कल बनाएंगे। तो ये कल के ब्लॉग में आएगा बनाने वाला। इस ब्लॉग में यहीं तक, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और उम्मा दे दीजिए वो।